नमस्कार, जनसारथी न्यूज में आपका स्वागत है। बात करेंगे मध्य प्रदेश में फैली रिश्वतखोरी की। मध्य प्रदेश में सरकार किसी की भी हो, सरकारी विभागों में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां काम कराने के लिए आपको रिश्वत ना देना पड़े। एक ऐसा ही वायरल वीडियो सामने आया है जिसमें जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए एक महिला कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए देखा जा सकता है। शिवपुरी के जिला अस्पताल में प्रभारी ने 25 दिन में प्रमाण पत्र बनाने के लिए कहा था, लेकिन रिश्वत मिलने पर उसे एक दिन में ही बना दिया। वहीं जब इस बारे में सिविल सर्जन से पूछा गया तो उन्होंने जांच के बाद कार्रवाई किए जाने की बात कही है। देखिए, सेवा की एवज में धनराशि लेना ये और देना दोनों अपराध हैं। वो तो निशुल्क है, निशुल्क ही रहेगी। अब इस किसी ने ये कारित कर दिया है और इसके सबूत मिलते हैं, अगर वो पुरुष है तो भी हम दो लोगों की दो सदस्यीय समिति बनाता हूँ, मैं दो दिन के अंदर रिपोर्ट लेता हूँ। वो महिला होगी तो हम फिर दो महिलाएं रखेंगे और दो सदस्यीय समिति बना के उसमें हमारा एक पुरुष रहेगा, तीन सदस्यीय टोटल कर दूंगा और उसकी रिपोर्ट लेंगे दो दिन के अंदर, तीन दिन के अंदर, और जो वैधानिक सेवा शर्तों में कार्रवाई है वो पूरी करेंगे हम लोग नियम से। इसमें कोई भी गुंजाइश कहीं भी किसी भी अपराधी को बचने की नहीं छोड़ूंगा। ये तो सब आर्बिट्रेरी शब्द हैं, मनगढ़ंत। अगर किसी ने कहीं घटित हो रहा है और कर रहा है तो आगे वाली जो व्यक्ति सामने है अपना सेवा लेने वाला, वो समझ जाए कि हमारे पास अधिकार क्या है। इस आवाज़ को जरूर लाए, हम लोग भी विजिलेंस हैं, हम लोग भी इसको देख रहे हैं, लेकिन कभी कभी हमारी आंखों के ओझल कई काम हो जाया करते हैं, बड़ा सिस्टम रहता है, तो हम लोग उसको हम जीरो टॉलरेंस पर रखेंगे। मैं तो कम से कम उसको ऐसे करते हूँ को जीरो टॉलरेंस पर रखूँगा कि आप सेवा के एवज में धनराशि नहीं उगा सकते। हमारा कटिबद्ध सरकार इसमें पूरी जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है कि नहीं, हम किसी से भी ये बक्सेंगे नहीं किसी भी लेने वाले को, तो भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तो हम पूरी कार्रवाई करेंगे, 100% करेंगे, आपको दिख जाएगी। जनसारथी न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।